हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं। मैं अनंत भारत एक बार स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन एकेडमी, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। दोस्तों, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस सपा जो है अपर सबॉर्डिनेट या लोअर पीसीएस आरओएआरओ पेट लेखपाल, है ना, आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म चुना है। जल्दी से जल्दी आ जाइए साथ में, क्योंकि क्लास अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, तो ये आपका हर संडे होता है 11 बजे। क्या होता है दोस्तों? हर संडे आपका 11 बजे होता है, यानी कि, और इसमें जो होते हैं 150 क्वेश्चंस होते हैं, 200 यानी कि आपके नंबर होते हैं, 2 घंटे का टेस्ट होता है। गुरु नेतृत्व तो जो है ये भी आपका चल रहा है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, है ना, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपके लिए एक न्यू अनाउंसमेंट है कि यूपीपीएससी एंड यूपीडब्ल्यूएससी लेकर आया है ना, कुछ नया। क्या लेकर आया है? तो बूस्ट योर यूपीपीएससी एंड यूपीडब्ल्यूएससी, है ना। आप कर सकते हैं कैसे? तो 12 महीने का आप प्रोग्राम ले सकते हैं और साथ में 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं दोस्तों, तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। आपको पता है कि अपकमिंग यानी 26 और 27, जो 26 और 27 जून आ रहा है, इसमें आपका टेस्ट होने वाला है प्रगति आरओआरओ, ठीक है। तो याद रखिए आरओआरओ का एक चल रहा है कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलते हैं पहले पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जरा आपको समझना होगा, है ना। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जरा देखिए। पहला पॉइंट कह रहा है, पहली बार भारत में पहचाने गए डेल्टा कोविड-19 वेरियंट के खिलाफ जो टीका सीधे प्रभावशाली, मतलब कौन सा ऐसा टीका है जो सीधे प्रभावशाली है कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ। तो कौन सा टीका है दोस्तों? तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका स्पुतनिक। कौन सा टीका है? तो ये टीका है जिसका नाम है स्पुतनिक वेर। आखिर ये स्पुतनिक है कहाँ का? तो आपको पता होगा स्पुतनिक जो है ये कहाँ का है। तो आयुषी अनुजा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्पुतनिक जो है ये आपका रूस का टीका है, याद रखिए रूस का। नेक्स्ट है, जिस राज्य ने भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय किया। अब जैसे कि क्या है, जैसे कि भारत में भारत रत्न होता है ना, चार आपके पुरस्कार होते हैं, एक आपका हो गया भारत रत्न हो गया, फिर हो गया पद्म विभूषण हो गया, फिर पद्म भूषण हो गया, फिर पद्म श्री हो गया, है ना। तो ये इस तरीके से है। तो ऐसा कौन सा देश है जो हाल ही में, ऐसा कौन सा देश है इसने हाल ही में सोचा है क्या कि भाई हम भी क्या करेंगे, एक पुरस्कारों की श्रृंखला स्थापित करेंगे। तो कौन सा देश है वो? तो वो देश है आपका असम। कौन सा देश है? असम। फिर हमारे पीएम ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स, ठीक है, प्रोग्राम जिस तारीख से शुरू किया है वो तारीख कौन सी है, ये आपको शुरू करना है, आपको बताना है। तो कस्टमाइज जो है जिस दिन से शुरू हुआ है, तो ये तारीख जो है दोस्तों 18 जून 2021। अगला है, भारत के जितने राज्यों के जितने प्रशिक्षण केंद्रों में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के लिए यह कैश क्रॉस कार्यक्रम शुरू किया गया। कितने राज्यों में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा 26 राज्यों में 111 चेंज से शुरू। वेरी इंपॉर्टेंट, जो देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, ध्यान दीजिए लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि सैटेलाइट होता है उसमें आपका प्लास्टिक यूज होता है, स्टील यूज होता है ना, आपका लोहा यूज होता है और बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे यानी वो देश जो कि लकड़ी का करेगा, तो वो देश का नाम है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी कोई आप में से बताए कभी, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो है विलिंगटन। क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी जो है विलिंगटन। इस देश ने ट्विटर में अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी, यानी कि जो ट्विटर है, ट्विटर का जो एक सेफ सिक्योर्ड एक होता है, तो ट्विटर ने किस देश में अपना जो था उसको खो दिया है। तो कौन सा देश है वो? है आपका भारत, ठीक है। कुछ समय पहले आपको पता है ट्विटर में जो भारत में कई सारे को अकाउंट को क्लोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2021 को भारत के जिस राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा, 3 जुलाई 2021 को जो होगा जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा, तो कौन सा वो है? तो
भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है? आयुषी, अनुजा, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करने का लक्ष्य रखा है? जैसे कुछ जमीन होती है बंजर हो जाती है, कुछ जमीन जो हो जाती है ऊसर हो जाती है ना, तो उसी से रिलेटेड है कि मतलब कितनी जमीन को, यानी कि एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक मतलब सही कर दिया जाए। कितनी जमीन है? 26 मिलियन हेक्टेयर। और उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपसे पूछा तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, कितने? 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जिस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया? ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है अनुजा जी। आते हैं अगले प्रश्न पे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जिस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है, तो किसे हटा दिया है आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जिस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया, तो वो ग्रीम हिक है। कौन है? ग्रीम हिक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकाने से वापस लेने की योजना बनाई, कौन सा वो देश है जहां से 9,500 मतलब 9,000+ जो आर्मीज हैं उसको डिप्लॉय करने का, मतलब वापस कम बैक, यानी कि 9,000+ जो आर्मी को कम बैक वापस बुलाने का निर्णय लिया है, तो वो कौन सा देश है? तो वो देश आपका जर्मनी। कौन सा देश है वो? जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी क्या है, कोई आप में से बताएगा? जर्मनी की राजधानी क्या है, कोई बताएगा भाई? जिस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिस देश की संसद ने, कौन सा देश है जिसने कि अपने यहां मतलब एक भारत का कुछ नक्शा शामिल कर लिया है ना, और उसको कहा है ओके सब सही है। तो ये पिथौरागढ़ जो है कहाँ पड़ता है, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, याद रखिए, जो पिथौरागढ़ कहाँ है, तो पिथौरागढ़ जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये पिथौरागढ़ जो है नेपाल की संसद ने कहा है कि जो ये पिथौरागढ़ है ये हमारे यहाँ है। नेपाल की संसद ने क्या कहा है कि जो पिथौरागढ़ है ये हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ का मतलब ये नेपाल का है इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की, बिल्कुल सही जवाब है आयुषी, जर्मिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन है ना। और ममता जी बिल्कुल सही जवाब है। अब 10% आरक्षण देने की बात की है तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी आप लोग को पता है, कई बार हमने बताया है तमिलनाडु की राजधानी क्या है ना। अब आते हैं यहां से क्वेश्चन पे, है ना, तो यहां से शुरू होते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित देश में से कौन सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड तक पहुंच गया है? कौन सा देश है जो चंद्रमा के डार्क साइड तक पहुंचा है आपको बताना है। विच एमंग द फॉलोइंग कंट्री फर्स्ट रीच द डार्क साइड ऑफ द मून, कौन सा वो देश है? विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट रीच द डार्क साइड ऑफ द मून, भारत है, अमेरिका है, चाइना है या रशिया है? बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई का पुराना नाम, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था, और मद्रास को किसने बसाया था, तो मद्रास को फ्रांसिस डे के द्वारा बसाया था। किसके द्वारा? फ्रांसिस डे के द्वारा। तो सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड तक कौन पहुंचा है? तो सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड तक पहुंचा है उसका नाम है दोस्तों चाइना। चाइना का कौन सा वो मतलब सैटेलाइट है या कौन सा है जिसके द्वारा चाइना पहुंचा है, एक प्रश्न ये भी बनता है ना। हाँ, चाइना का पहले नाम, ममता बिल्कुल सही है, मद्रास। तो चीन, अब चीन का कौन सा है, तो देखिए
चाइनास प्रोब, चीन का जो है प्रोब चांगी फोर, क्या नाम है, चांगी फोर कह लो या चेंज फोर कह लो, ये आपका इज द फर्स्ट एवर प्रोब टू सॉफ्ट लैंड ऑन द फार साइड ऑफ डार्क साइड ऑफ द मून, है ना। चंद्रमा के सतह पर जो कि डार्क वाला हिस्सा है वहां पे सेफ्टी से लैंड करने वाला बन गया है, ठीक है, चंद्रमा की सतह। किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया, कौन सा देश है जिसने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया, विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट। यहां पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं ना। न्यूक्लियर प्लांट जो है अपने आप में अति संवेदनशील होते हैं, आपको अच्छे से पता है ना, और वो भी ये फ्लोटिंग है, सबसे खास बात मतलब इतना संवेदनशील और इसके बाद से ये तैरता हुआ है यानी कि फ्लोटिंग है, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित, तो भारत है, चाइना है, यूएसए है या रशिया है। तो रितु ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, रशिया है, ठीक है, रशिया है, रूस के द्वारा ये आपका डेवलप किया गया, ठीक है, याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवार्डेड विथ जीआई टैग, है ना, इनमें से किसे जीआई टैग मिला है, तिरुपति लड्डू को है, धरवाड़ का पेड़ा है, धरवाड़ का पेड़ा, हैदराबाद की हलीम या हैदराबाद की जो बिरयानी होती है ना उसी को कहते हैं, और बंगाली रसगुल्ला, है ना, तो बंगाल का रसगुल्ला, तो ये आप देख पा रहे होंगे, है ना, तो किसे मिला है आप जवाब देना है भाई, देहाती बाबू, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से देहाती बाबू बताइए आप में, है ना, किसे जीआई टैग मिला है, बंगाल का रसगुल्ला है, तिरुपति के लड्डू है, हैदराबाद की हलीम है या बंगाली रसगुल्ला है, तो ऑल बिल्कुल सही है, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। वैसे जीआई टैग जो होता है कितने सालों के लिए वैलिड होता है, अगर हम आपसे पूछें तो कितने सालों के लिए, बिल्कुल सही ममता जी, द ऑनर ऑफ ए पेशेंट, है ना, पेटेंट कैंट, पेशेंट नहीं पेटेंट है, द ऑनर ऑफ पेटेंट कैंट ग्रांट लाइसेंस, ठीक है, जो आपका एक ऑनर होता है पेटेंट, पेटेंट्स क्या होता है, कोई चीज आपने बनाई या कोई नई चीज का आपने आविष्कार किया, है ना, फिर वो चीज कोई दूसरा ना बना ले तो आप इसका पेटेंट करा लेते हैं, अनुजा ममता बिल्कुल, है ना, तो आपको बताना है वो उसे कैन ग्रांट लाइसेंस, तो उसे लाइसेंस मिलता है किस क्षेत्र में मिलता है, ममता बिल्कुल सही है, 10 साल के लिए जीआई टैग आपका दिया जाता है, ठीक है, अमूल्य भारत की अमूल्य धरोहर। तो टू रजिस्टर्स कंपनीज ओनली होता है या इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से या कोई भी लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, या टू एनीवन बट ओनली आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। तो यहाँ आंसर है कि पेटेंट जो है, द ऑनर ऑफ पेटेंट कैन ग्रांट लाइसेंस, जो पेटेंट्स है वो लाइसेंस किसी को भी दे सकता है, टू एनीवन होगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डी नहीं होगा, ठीक है, सी होगा, क्यों होगा समझिए, जैसे कि आपको मिला है ना, अब आपने कोई चीज बनाई, जैसे कि मान लीजिए कोरोना है, आप खुद ही ध्यान देना, अब कोरोना है, अब कोरोना की दवाई क्या किसी एक ने खोजी होगी, कोई एक ग्रुप होगा, है ना, साइंस वो साइंटिस्ट का या कोई भी एक ग्रुप होगा, अब जिस ग्रुप ने या जिस देश ने खरीदी उसने क्या कह दिया कि चार पांच जो है, अब उसके पास इतना तो पैसा नहीं है, है ना, कि वो बनाए, तो उसने जो भी मेडिसिन जो निर्माण करते हैं उनको उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप बनाओ, जैसे कि कानपुर में आप सुन, वो कानपुर में नहीं, आप भारत में सुन रहे हो सीरम इंस्टीट्यूट, है ना, सीरम इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा आपने, सीरम इसके कौन है, मतलब इसके मालिक कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट का, सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक कौन है, कई बार आपके सामने भी आया होगा सीरम इंस्टीट्यूट, पेपर में भी आता है। विक्टोरिया जलप्रपात किन दो देशों के बीच में स्थित है, विक्टोरिया जलप्रपात किन दो देशों के बीच स्थित है आपको बताना है, विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, बंगाल एंड बोत्सवाना, सॉरी सेनेगल एंड बोत्सवाना, इथोपिया एंड केन्या, तंजानिया और केन्या। तो विक्टोरिया जलप्रपात है, और विक्टोरिया जलप्रपात से कौन सी नदी निकलती है आपको पता ही है, तो कौन सी नदी निकलती है जल्दी से बताइए,
उस नदी का वरदान किसे कहा गया है? उस नदी का वरदान जो है मिस्र नदी को कहा गया है ना। तो कौन सी नदी निकलती है? करंट तो खत्म हो गया? नहीं भाई देहाती बाबू, करंट खत्म नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन जो है चर्चा में रहे, अभी हाल ही में 3-4 दिन में ये प्रश्न चर्चा में रहे हैं, इस वजह से ये आपके सामने आ रहे हैं, है ना। तो आंसर इसका जाम्बिया और जिम्बाब्वे होगा। क्यों आपका है अगर आपको याद हो, है ना। तो पांचवें का आंसर जो होगा ए है, ये आप देखिए है ना, ए है आपका। यहाँ पे आंसर क्या था? जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जाम्बिया। ये है जाम्बिया और ये है जिम्बाब्वे, और ये है वो आपकी विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है। यहीं से नदी निकलती है जिसका नाम है नील रिवर या नाल रिवर। राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में है, किसके लिए फेमस है आपको बताना है। राणा प्रताप सागर इज फेमस फॉर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के लिए है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के लिए है, ब्रास वेयर के लिए है, पीतल के सामान के लिए, या स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, है ना। आपको बताना है राणा प्रताप सागर जो राजस्थान में किस लिए फेमस है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, ब्रास वेयर, स्पोर्ट्स गुड्स। तो राणा प्रताप सागर जो है अगर हम बात करें तो किस लिए फेमस है, तो वो आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन, याद रखिएगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। अब जैसे कि ये हो गया रावत भाटा, इसी तरीके से अलग अलग है। जैसे कि आपको नाम बताना है कौन कहाँ है, जैसे कि नरोरा है, कैगा है, कुडनकुलम है, तारापुर है, बिल्कुल करंट ही है। ये क्वेश्चन चर्चा में रहे हैं इस वजह से करा रहे हैं जनाब, ठीक है। हाँ तो देखिए नरोरा कहाँ पे पड़ता है, नरोरा आपका यूपी में पड़ता है। कैगा आपका कहाँ पड़ता है, कैगा आपका कर्नाटक में है। कुडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में है। तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिए। ज्वाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म नामक अध्ययन के लिए नासा का मिशन क्या है, बताओ भाई देहाती बाबू बताइए। ज्वाइंट सोलर पार्टिकल जो है स्टॉर्म नामक अध्ययन के लिए, व्हाट इज नासाज मिशन टू स्टडी ज्वाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स, बताइए। ज्वाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स के लिए क्या है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां पर अभी अगर हम बात करें तो यहां पर विद्युत को लेकर और अलग अलग जगह यानी कि स्थापित करने की बात हो रही है। अगर हम बात करें जायंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, याद रखिए आंधी। यानी कि ये क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जैसे सूरज है ना, तो जो सूरज पे आप देखते हो आपने सुना होगा तो गैसों का मिश्रण है, कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है जरा कोई बताए आप में से, है ना। तो अक्सर वहां पे लपटे उठती रहती है ना, तो एक प्रकार की इसे आंधी यानी स्टॉर्म माना है, ठीक है, नासा के द्वारा। और नासा ने उसको अध्ययन करने के लिए क्या शुरू किया है, एक मिशन शुरू किया है, क्या नाम है? तो उस मिशन का नाम क्या, देखिए हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि पेपर में आने की संभावना हो, ठीक है। तो उस मिशन का नाम है सनराइज, याद रखिए क्या नाम है, सनराइज है। बिग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, बिग जो है ब्रिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, ये पुस्तक है ना। तो हु हैज ऑथर्ड द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, विनोद राय की है, अमलेंडु गुहा की है, अरुंधति राय की है, या डॉक्टर एम रामाचंद्रन की है। बिल्कुल देहाती बाबू सही है, हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो ब्रिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर ये पुस्तक किसकी है आपको बताना है, हु हैज ऑथर द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स, विनोद राय। तो ये पुस्तक है दोस्तों डॉक्टर रामचंद्र की, ठीक है।
डॉक्टर रामचंद्रन की, ये पुस्तक है डॉक्टर रामचंद्रन की, ठीक है। ब्रिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोवेल्टी इन रिलेशन टू आ प्रोडक्ट आर पर्पस। मीनिंग क्या होता है नोवेल्टी? नोवेल्टी अक्सर आप सुनते हो नोवेल्टी के बारे में, तो नोवेल्टी का मतलब क्या होता है ना? इन रिलेशन टू अ प्रोडक्ट आर प्रोसेस, किसी भी उत्पाद या जो प्रक्रिया से संबंधित। जैसे अक्सर आता है ना कि ये खबर चर्चा में रही, चर्चा में रहे शब्द जैसे आता है ना, चर्चा में रहे शब्द, तो वही शब्द है। चर्चा में रहे शब्द नोवेल्टी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोवेल्टी? नॉट यूज्ड है, नॉट एंटिसिपेटेड है, नॉट पब्लिश्ड है, या ऑल ऑफ द एबव। नोवेल्टी का मतलब क्या है? नॉट पब्लिश। तो यहां पे नोवेल्टी का मतलब सब होता है, नॉट यूज होता है, नॉट एंटिसिपेटेड होता है, नॉट पब्लिश होता है। तो ये तीनों है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। ममता बिल्कुल सही जवाब है, नोवेल्टी का मतलब सभी के सभी होंगे। शामिया सुलू हसन किस राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ना? किस राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? अभी उन्होंने मतलब कि कई सारी महिलाओं को लेकर बात की, तो इसलिए ये चर्चा में है ना, ये चर्चा में, और यहाँ पे ये पहली राष्ट्रपति बनी है। तो ये याद रखिए, भारत की पहली राष्ट्रपति आपको पता ही है ना, फर्स्ट जो भारत की महिला राष्ट्रपति है वो तो आपको पता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। सामिया सुलू हसन किस राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? केन्या है, इरिट्रिया है, युगांडा है, या तंजानिया है, कौन है वो? केन्या, इरिट्रिया, युगांडा, तंजानिया। तो बिल्कुल सही जवाब है ममता जी, तंजानिया है, ठीक है। सामिया सुलू हसन जो है तंजानिया की बनी है, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भारत में अभी तक एक ही बनी है, जिनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। क्या नाम है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हाँ बिल्कुल सही है जवाब। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए भाई। जो आपका सीबीसीटी आता है ना, यानी सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो है, उसका किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नए अध्यक्ष। प्रणब कुमार दास, अजय भूषण पांडे, एम अजीत कुमार, अतानु चक्रवर्ती, कौन है जो कि आपके नियुक्त किए गए हैं, आपको बताना है, सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। तो सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में जो किया गया है मिस्टर अजीत कुमार को किया गया है, याद रखिएगा, सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में मिस्टर अजीत कुमार को, ठीक है। जी हाँ, अजीत कुमार होगा, अनुजा जी अजीत कुमार है ना, अजीत कुमार। दलीप कौर तिवाना जिनका हाल ही में निधन हो गया, दलीप कौर तिवाना जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ये जो दलीप कुमार तिवाना ये क्या थी है ना, तो ये क्या थी, तो ये एक लेखिका थी है ना। जैसे आता है ना ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दलीप कुमार तुवाना, तो ये हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, या गुजराती है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब है, देहाती बाबू, बिल्कुल सही बात हमने बताया, पंजाबी। पंजाबी की लिपि कौन सी है जरा आप बता सकते हैं? पंजाबी की लिपि कैसी है? जैसे अगर हम बात करें जैसे कि हिंदी, तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है ना। इसी तरीके से पंजाबी की लिपि कौन सी है, यानी कि पंजाबी की स्क्रिप्ट कौन सी है? बहुत बढ़िया अनुजा जी है ना। तो पंजाबी की लिपि कौन सी है आपको बताना है। तो पंजाबी की लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो पंजाबी की लिपि जो है वो है गुरुमुखी। क्रिस्टो पहाड़ पर रेडीवर प्रतिमा किस देश में स्थित है? कुछ दिनों पहले ये चर्चा में था, क्रिस्टो द रेडेमेर स्टैचू ऑन कोरोकोडेव माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो है एक ऐसा व्यक्ति है इस तरीके से हाथ फैलाए है यूं करके है ना, तो बिल्कुल ममता सही है देहाती,
उस ये जो व्यक्ति है ये प्रतिमा किस देश में है, क्योंकि ये देश जो है फिर एक बार चर्चा में है। ठीक है, अपनी अजीब सी हरकतों के कारण, अपनी अजीब सी है ना, तो इसके कारण ये देश पुनः चर्चा में है। आपको बताना है यह देश कौन सा है। क्रिस्टोफर रेडिमर प्रतिमा जो है, क्रिस्ट द रेडिमर स्टेच्यू ऑन कोरोकोडो माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कंट्री, चाइना है, कनाडा है, हंगरी है या ब्राजील है, कौन सा वो देश है आपको बताना है भी। चाइना, चाइना नहीं है। ठीक है, याद रखो ये क्वेश्चन कई बार आया है, अभी हमने आपको बताया भी, तो वो ब्राजील है। ब्राजील है, यानी कि ब्राजील किसका है, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप है ना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है ब्राजील। ये आप देखिए है ना, ये आपने देखा होगा इस व्यक्ति को है ना, ये व्यक्ति हाथ फैला के कहता है आ जाओ आ जाओ सब लोग आ जाओ सब लोग आ जाओ है ना। ऑन इट्स नैरो समिट टुवर्ड्स द इम्पोजिंग स्टेच्यू ऑफ क्रिस्ट द रेडिमिर, जो कि 98 फीट है, 30 मीटर्स की है टॉप, द पीक इज एसेसिबली बाई रोड एंड बाई कॉक है ना। इसी तरीके से एक और मूर्ति बनाई जा रही है, जिसके बारे में हम आपको 2-3 दिन में बताएंगे है ना। वो मूर्ति बुद्ध की हो रही है, बुद्ध की मूर्ति बनाई जा रही है, और मूर्ति ऐसी बनाई जा रही है कि मतलब पूरे देश में से कहीं देखा जा सका, मतलब वो जो एक देश है उस देश के किसी भी हिस्से से आप उस मूर्ति को देख सकते हैं है ना। इतनी ऊंची वो मूर्ति बन रही, सोचो किसी भी हिस्से से देख सकते हैं। और वो मूर्ति, हाँ बिल्कुल सही है, और वो मूर्ति जो है किस भगवान से रिलेट करती है, तो मूर्ति जो है आप सोचो किससे रिलेट करती है, जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा गया है ना। तो आगे चलकर हम आपको जानकारी देंगे, लगातार बने रहेंगे। नेक्स्ट है, एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है, एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है आपको बताना है। वेनेजुएला में है, बारबाडोस में है, बोलिविया में है या यूएस में। नहीं ममता जी, बोध गया में नहीं है ना, बोध गया तो मैं गया हूं है ना, गया में वहां पे नहीं है, वो तो एक ऐसे मूर्ति है बोध गया में है ना, इस तरीके से ये करके ऐसे करके ऐसे करके। तो एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है, वेनेजुएला में, बाराबडोस में। हाँ लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति बन रही, बिल्कुल सही जवाब है देहाती, हाँ बुद्ध की ममता जी। तो एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है, वेनेजुएला में, बाराबडोस में, बोलिविया में या यूएस में, एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स के बारे में अगर हम बात करें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए होगा, वेनेजुएला। क्या होगा दोस्तों, तो वेनेजुएला जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में आपका ये है, याद रखेंगे वेनेजुएला, वेनेजुएला। फिर है बाराबडोस, बोलिविया या यूएस है ना, तो वेनेजुएला इज द राइट ऑप्शन। एंजल फॉल्स के बाद आता है 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जोहा इज एन एरोमेटिक राइस दैट इज कल्टिवेटेड एक्सक्लूसिवली इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। जोहा एक प्रकार का चावल है जो कि ब्रह्मपुत्र की घाटियों में उगाया जाता है, और इट हैज गॉट द जीआई टैग, और इसे मिला है जीआई टैग। आपको पता है यस या नो, सही है कि गलत है, जैसा बताना है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो जैसे ये चावल एक खास प्रकार का होता है, जैसे पानी होता है ना, तो उस पानी में इस चावल को डाल दो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए तैयार हो जाता है जोहा। इसी तरीके से एक है भकोवा चावल है ना, अलग अलग राइस की वेराइटीज होती है, और ये जो चावल होता है ये सारे चावल जो होते हैं आर्मी लोग या सिपाही लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे, या जो लोग ट्रैवल पे होते हैं उन्होंने चावल रखा कहीं भी, उन्हें मतलब पानी मिला तो उस पानी में क्या किया, उन्होंने चावल डाल दिया है ना हल्का सा पानी में जैसे नॉर्मल, और फिर वो चावल रेडी फॉर यूज। तो ए ऑप्शन होगा, ये केवल आपका पहला ऑप्शन सही है, ये यहाँ पे सी नहीं होगा, अभी इसे जीआई टैग नहीं मिला है। ठीक है, अभी इसे नहीं, जीआई टैग नहीं मिला, दोनों सही नहीं है याद रखिए, अभी इसे जीआई टैग नहीं मिला है। आप देख सकते हैं जैसे कि असम, तो असम के बारे में अगर बात करें तो असम कितने राज्यों से सीमाएं साझा करता है, कई बार हमने बताया है,
असम जो है 7 राज्यों से सीमाएं साझा करता है। यहाँ पे एरोमेटिक जोहा राइस के बारे में है और कुछ जीआई टैग के बारे में। तो ये एरोमेटिक जोहा राइस है, ये इस तरीके से होता है जोहा राइस, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड्स है, यानी कि बिल्कुल सिस्टमेटिक से है। और यहाँ पे जीआई टैग जो है असम, असम की कुछ ऐसी चीजें जो ट्राइंग कर रही है जीआई। तो असम में बहुत ऐसी चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग नहीं मिला है और जीआई टैग पाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि फुलम गमोशा, कागजी नेबू, बेल मैटम, ब्रास मेटल, इरी सिल्क, है ना, लोकल लिक्वर। अब देखो यहाँ पे जैसे फेनी का नाम सुना होगा, यहाँ पे लाव पानी, क्या नाम है, लाव पानी। फेनी कहाँ का है पेय पदार्थ जिसे जीआई टैग मिला है, फेनी। यहाँ पे लाव पानी, फिर है बोरा चावल, ठीक है, बोरा बोरा चावल, स्टिकी राइस, थोड़ा सा चिपकता है। कोफुल फूल, कोपू फूल, ये एक आर्चिड का पौधा है, उसका होता है। फुलम जप्पी और बर्मेस ग्रेप्स और ऑनटेगो, ये सारी चीजें हैं जिनकी बात कर रहे हैं असल। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सम्मानित जो है प्रेस्टिजियस यानी बहुत फेमस अवार्ड है, भूषण अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के लिए कौन? आशा भोसले, ए आर रहमान, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल। तो जिसे मिला है, एक गाना है, मुझको हुई न खबर और चोरी चोरी चुप चुप कर और प्यार की पहली नजर, ओ ठीक है, तो आपको बताना है। बिल्कुल सही, जिन्होंने गाया है गाना वही है, तो आशा भोसले, आशा ताई के नाम से ये फेमस है ना। ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। विच कंटेनर शिप वॉज ब्लॉकिंग द स्वेज कैनाल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। अब आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत पुराना है, लेकिन अगर आपने कल की न्यूज देखी होगी या परसों की न्यूज देखी होगी तो आपने देखा इस जो भी स्वेज कैनाल है, तो स्वेज कैनाल किसको किसको जोड़ता है पहले तो ये बताएं, स्वेज नहर किस किस को कनेक्ट करता है। तो इस जो जहाज के मालिक पर, हाँ वेरी गुड, दिल ले गए ले गई, इस जहाज के मालिक पर चार्जेस लगाए गए हैं ना, पर वो चार्जेस देने को तैयार नहीं है, इसलिए क्वेश्चन चर्चा में है ये। तो इस जहाज का नाम है एवर गिवन, कौन सा जहाज है, एवर गिवन, बिल्कुल सही है। ममता जी थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा पेपर में और आपका इसी तरह गलत हो जाएगा। ये एवर ग्रीन नहीं है, ये एवर गिवन है, ग्रीन नहीं है, ये गिवन है। और मेडिटेरियन सी और रेड सी, बिल्कुल सही जवाब है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में फंसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड, पुणे है, दिल्ली है, कोलकाता है या मद्रास। यहां पे एस गायब हो गया, बिल्कुल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां पर स्थित है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड, पुणे है, दिल्ली है, कोलकाता, मद्रास। पुणे के बारे में बात करें तो पुणे की जो है वो कहाँ पड़ता है, तो वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, बिल्कुल पूना, ए ऑप्शन है, सपना श्री, बहुत बढ़िया, लास्ट में आया पर आपने सही जवाब दिया। लासा एयरपोर्ट एट तिब्बत इज द वर्ल्ड्स, जो लासा, लासा है कहाँ पे पहले तो ये पता होना चाहिए, तब आप लोग बता पाओगे कि जो लासा है, लासा, ये लासा, तो ये लासा का जो एयरपोर्ट है ये सबसे क्या है, ऊंचाई पर है, सबसे बड़ा है, सबसे नीचे है या सबसे व्यस्त है, जो लासा, लासा कहाँ पड़ता है। अरुण जाट, डप्पू, राम राम, कैसे हो भैया। तो लाशा एयरपोर्ट के बारे में, बहुत बढ़िया देहाती बाबू, सुब्रतो राय सहारा स्टेडियम भी पुणे में है।
तो लासा एयरपोर्ट के बारे में बताइए। लासा एयरपोर्ट से ही एक धर्म गुरु है जो वहां से निर्वासित होने के पास भारत में रह रहे हैं। भारत में कहाँ रह रहे हैं? तो भारत में धर्मशाला में रह रहे हैं। तो धर्मशाला भी क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित, बिल्कुल। तो लासा जो है तिब्बत में, याद रखिएगा, और तिब्बत की राजधानी जो है वो लासा है, और ये आपका आंसर बी होगा। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट है। बहुत बढ़िया अरुण जी, पीके, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज लोकेटेड पणजी। पणजी कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में, पुणे महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में। तो आपको बताना है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जी स्थित है, आपको बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ पर है? अब हमारी मुलाकात होगी 11 बजे। याद रखिए, ऐप में अगर आप लोग क्लास ले रहे हो, ऐप पे अगर क्लास ले रहे हो, तो ऐप पर हमारी क्लास होती है 2 बजे और 8 बजे रोज, है ना, 2 बजे 8 बजे रोज होती है। तो 20वें क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो है पणजी यानी कि गोवा है, बिल्कुल सही जवाब है। भारत के समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? इसी के साथ इस क्वेश्चन की समाप्ति होगी, आपको बताना है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नेशनल साइंस सेंटर इज लोकेटेड। नेशनल साइंस जो है, नेशनल जो है आपका साइंस सेंटर इज लोकेटेड एट कहाँ पर है? बंगलुरु है, बॉम्बे है, कोलकाता है या दिल्ली है, कहाँ पर है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नेशनल साइंस सेंटर जो है आपका कहाँ पर है, ये आपका एक, तो यहां पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली होगा। क्या आंसर होगा? दिल्ली होगा। विजय पथ यहां तक चल रहा था सर? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, 2 साल से जुड़े हैं अरुण जात जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग तो जुड़े हैं हमसे। तो यहाँ पे विजय पथ जो है आपका शुरू हो चुका है, 18 जून चल रहा, और लक्ष्य बैच जो है ये 12 महीने का 2022 का है ना, तो प्रीलिम्स और मेंस को कवर कर रहा है। यहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी, बिल्कुल सही जवाब है बंगला। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 1 month की फीस 1000 प्लस, 3 month की 3000, 6 month की 5000, 12 month की 6000 और 24 month की जो है दोस्तों 7000। कोड आपको यूज करना है अनंत भी कोड के साथ, यानी कि आप ओपन करेंगे। अगर आपने सोच रखा है सुपर कम्बो ऑफर, तो सुपर कम्बो ऑफर भी आपके लिए है। जैसे 6 month का है 7000, 12 months का है 10000 और 24 months का है 14000, है ना। तो ये सुपर कॉम्बो ऑफर जो कि यूपी और बिहार को कनेक्ट करता हुआ एक पूरा पैक आपके लिए लाया है। विजय पथ है ना, राहों में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो इसी के साथ मैं अनंत भारत लेता हूं आपसे इजाजत। मिलते हैं दोपहर 11 बजे, मतलब 11 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 11 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप सेफ है और सिक्योर है।